100 में 98% तो पागल कहा हमें, कोई कहा स्क्रू लूज हो गया, कोई कहा इसका दिमाग खराब हो गया, ये कचड़ा चिंता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते समाज में, राष्ट्र में अपना भी एक दायित्व तो होता है। बस सोचा कि चलो शिक्षक के रूप में नहीं, समाज सेवा के रूप में ही सही अपने समाज को, राष्ट्र को अपना योगदान दूँ। मेरे लिए पैसा सेकेंडरी मैटर है। पैसे का पैसा हावी होता तो मैं समाज सेवा नहीं करता। जोहार, स्वच्छता का पाठ तो लगभग हर कोई पढ़ता है, लेकिन उसको अमली जामा जो है बहुत कम लोग पहना पाते हैं। आज ऐसे ही एक शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं। ये रांची के न्यू मधुकम कॉलोनी निवासी हैं और इनका डेली का रूटीन जो है ये न सिर्फ स्वच्छता को काफ़ी वैल्यू देते हैं, बढ़ावा देते हैं, इसके साथ साथ सरकार का काफ़ी पैसा भी बचा रहे हैं। नाम है आर साहू जी, सामने मौजूद हैं। इनकी डेली रूटीन जो है ये इन्हीं की जुबानी हम आपको बताना चाहेंगे। शॉर्ट में बता दें, ये अहले सुबह जब हमारी नींद नहीं टूटती है उस समय ये उठते हैं और अपने पूरे कॉलोनी का कचरा चिमटे के सहारे उठा के बाल्टी में एकत्रित करते हैं और उसको वो नगर निगम के गाड़ियों में डालते हैं और उसके बाद इनके कॉलोनी से जितने दूर तक संभव हो पाए ये लकड़ी के सहारे तमाम स्ट्रीट लाइट्स को ऑफ करने का भी काम करते हैं। तो सबसे पहले तो खूब खूब स्वागत है साहू जी आपका, और सबसे पहला सवाल भी यही होगा, कितना सुबह उठते हैं ये सब करने के लिए आप? सर प्रायः 5:30 बजे उठता हूँ, चिड़ियों को दाना पानी खिला करके नीचे जितने लोग रोड में कचरा फेंकते हैं आप नज़र दौड़ा लीजिए, जहाँ तक नज़र जाएगी अभी एक तिनका नहीं मिलेगा। साफ सफाई करके और इसी साइकिल से निकलता हूँ, वो भी स्विच लेकर के, और गली गली मोहल्ले मोहल्ले दर्जनों मोहल्ले में जाता हूँ, और जहाँ दिन में स्ट्रीट लाइट जलते रहता है वहाँ लोगों को घूम घूम कर जागरूक करता हूँ कि भैया ये रात्रि सुविधा है, दिन में इसको बचाइए, ये रात के लिए अंधेरा के लिए आपको मिला हुआ है। और पोल में जो स्विच खराब रहता है उसको आप देख लीजिए, हमारे साइकिल में अपने पैसे से लगवाता हूँ। आप सामने पोल में देखिए भी मेरा स्विच तार लगा हुआ है। इस तरह हमारा 25 से 30 किलोमीटर डेली साइकिल से घूम घूम कर लोगों को जागरूक करता हूँ। कैसे शुरुआत हुई, कैसे प्रेरणा मिली कि ये करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए? सर मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, MA किया हूँ, BEd किया हूँ, TET पास हूँ, इलेक्ट्रिशियन। इच्छा थी एक आदर्श शिक्षक और आदर्श विद्यालय बनाने की, वो लोकोक्ति तोड़ने की कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन इन प्रकार जो भी हो मैं शिक्षक नहीं बन पाया। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते समाज में, राष्ट्र में अपना भी एक दायित्व तो होता है। बस सोचा कि चलो शिक्षक के रूप में नहीं, समाज सेवा के रूप में ही सही अपने समाज को, राष्ट्र को अपना योगदान दूँ। बस इसी भावना से प्रेरित होकर मैं 2014 से लगातार कार्य कर रहा हूँ। आप देखेंगे पानी बचाने का, ये हमारा 10 फीट चौड़ा घर है लेकिन हमने 2 बोरिंग किया, एक पीने के लिए, दूसरा बचाने के लिए। बरसात का जल ऊपर से लाकर पाइप के माध्यम से दूसरे बोरिंग में डाल दिया, ये 250 फीट नीचे जाके हमारा बरसात का पानी स्टोर होता है। आपको इसका रिजल्ट क्या है कि दूसरे जगह पानी सूख जाता है गर्मी में, लेकिन मेरे यहाँ नहीं सूखता है। जो आपका कार्य है लगातार वर्षों से जो करते आ रहे हैं, तो बहुत लोग जो हैं इसको शाबाशी भी दिए होंगे, बहुत लोग क्रिटिसाइज भी किए होंगे कि क्या कर रहा है, पागल तो नहीं है, क्या मतलब है, क्योंकि जो सराउंडिंग है, जो माहौल है रांची में, कभी ऐसा फेस किए हैं? बहुत फेस किया हूँ सर। 100 में 98% तो पागल कहा हमें, कोई कहा स्क्रू लूज हो गया, कोई कहा इसका दिमाग खराब हो गया, ये कचड़ा चिंता है। और उसी 100 में 1-2 लोग मिले जो जानते हैं कि क्या कर रहा है।
बहुत तरह की घटनाएं हुई। कोई कहा नगर निगम का है तुमको क्या हो कि हमको कहते हो लाइट ऑफ करने के लिए, कोई कहा बिजली बहुत बिल बढ़ा दिया इसलिए जानबूझकर जलाते हैं। लेकिन हमारा काम है इस लाइन में बहुत तरह की परेशानियां आएगी। अगर आप सोशल वर्क करने चले हैं तो ये सब को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। मुझे लगता है आज तक 1,00,000 लोगों को ज़रूर मैं जागरूक किया हूँगा बिजली बचाओ अभियान में, पानी में, स्वच्छता में, पर्यावरण में। जी सर, बात करें रोज़मर्रा की आमदनी और नीड होती है सभी के पैसे की, तो वो कैसे पूरा करते हैं? सर मेरे लिए पैसा सेकेंडरी मैटर है। पैसे का पैसा हावी होता तो मैं समाज सेवा नहीं करता। तो मेरा घर ऐसा है कि एवरेज 20,000 रुपया रेंट आ जाता है और वो दो बेटियों का बाप हूँ, मेरे लिए काफ़ी है सर, उतना ही में गुजारा हो जाता। जी हाँ। देखिए ये एक मैसेज है, काफ़ी इनके जो कॉलोनी के लोग हैं ये भी काफ़ी देर से सुन रहे थे, क्या विचार है इनके बारे में, इनका जो काम है उनको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं ठीक है, हाँ। काम ठीक करते हैं। कब से देख रहे हैं इस तरह? हम 2-3-4 साल से देख रहे हैं। हाँ, इस तरह सफाई करते हैं। हाँ, और कॉलोनी साफ रहता है? हमें साफ रहता है। हाँ, पूरा बराबर देखते हैं। बराबर देखते हैं, आते जाते रहते हैं, सुबह में आते हैं देखते रहते हैं, बराबर साफ करते हैं। हर दिन का रूटीन है? डेली 300 दिन। तो देखिए ये खास रिपोर्ट थी एक ऐसे शख्स की निस्वार्थ भावना की कि कैसे स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाए, कैसे अपने गली मोहल्ले को साफ रखा जाए, कैसे सरकार के पैसा बचाया जाए, कैसे बिजली बचाया जाए। कहीं कोई सपोर्ट नहीं, उल्टे क्रिटिसिज्म भी मिला इन्हें, लेकिन आज तक 2014 से इनके जो कदम हैं वो नहीं रुके। और इसका रिजल्ट है कि ये न्यू मोदकम कॉलोनी में इन्हें लोग इसी काम से जानते हैं कि कोई एक ऐसा शख्स है जो हमारे कॉलोनी को साफ़ करता है, हर रोज़ साफ करता है। और इनका भी जो विज़न है यही है कि अगर 1% भी फ़र्क पड़ जाए तो ये बहुत है। और शायद इसी विजन के साथ साहू जी लगातार बने हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। बाकी आप तमाम दर्शक इनके कार्य को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया। Introducing Himalayan International Residential School, nestled in a lustrine 120-acre campus between Siliguri and Jalpaiguri town. Unlock your academic potential and exceed your expectations with our innovative curriculum and exceptional faculty. Discover your passion and unleash your energy with a diverse range of sports, games and co-curricular activities. Experience a home away from home at our welcoming and secure boarding facility. Awarded as one of the best co-ed boarding school in West Bengal. Choose Himalayan International Residential School.